हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस जॉनसन को सचिन अमिताभ जैसा हुआ महसूस, खुद बताया कारण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं और उन्होंने आज यानी शुक्रवार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस जॉनसन ने अपने स्वागत को लेकर खुलकर बात की और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया क्योंकि भारत में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम ने पीएम मोदी को खास दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। सचिन और अमिताभ जैसा लग रहा था जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुजरात में उनका जिस तरह से स्वागत किया गया वह सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन के जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में मेरे पोस्टर चारों तरफ लगे हुए थे जिससे मैं काफी। जॉनसन ने पीएम मोदी को बताया खास दोस्त। बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को खास दोस्त बताते हुए कहा कि धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे खास दोस्त। मुझे लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में खास दोस्त और करीब हो जाते हैं। मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्रिटेन ज्यादा नजदीक आए हैं। पीएम मोदी और जॉनसन के बीच हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत दौरे पर आए अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन से रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग के और विस्तार देने के लिए विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के रास्तों के बारे में चर्चा की। मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का निर्णय। पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को रोडमैप 2030 सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की और इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने का निर्णय किया। दोनों नेताओं ने एक नए एवं विस्तारित द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा गठजोड़ पर भी सहमति व्यक्त की। मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित किया। पीएम मोदी और जॉनसन ने रोडमैप 2030 को लागू किए जाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में गठजोड़ को गहरा बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.